3 लीटर का इंजन। एक SUV जो किसी रेस कार से कम नहीं। वो नाम जो बना SUV की पहचान। जीप। कुछ नाम आइकॉनिक होते हैं और ऐसा ही एक आइकॉनिक नाम है जीप। जरा इस कंपनी की लीनेज के बारे में और इस प्रोडक्ट के बारे में सोचिए। ये कंपनी World War II के टाइम पर एग्जिस्टेंस में आई थी और तब SUV जो नाम बाद में निकल कर आया, ऑफरोडिंग जो बाद में बात आई, उन सब के साथ एक ही वर्ड एसोसिएट होता था, वो था जीप। और अब आप जानते हैं भारतीय मार्केट SUV का कितना बड़ा मार्केट बन चुका है। और ऐसे में अगर वो आए गाड़ी जो कि SUV की बादशाह है या जहां से SUV गाड़ियों की शुरुआत हुई, तो कैसा रहेगा। और ये गाड़ी उनमें से एक है। जी हाँ, उस कंपनी की यानी कि जीप की एक बहुत ही प्रचलित गाड़ी है, जीप ग्रैंड शेरोकी। दो गाड़ियां, जीप ग्रैंड शेरोकी और रैंगलर, ये जीप की तरफ से आने वाले पहले दो प्रोडक्ट्स होंगे। जल्द बाजार में आ सकते हैं, कयास काफी टाइम से लगाए जा रहे हैं। 2012 से बात होती थी कि जीप भारतीय मार्केट में आएगा, समय बहुत लगा है, लेकिन अब बेहद करीब नजर आ रहा है। 2017 से हो सकता है इस गाड़ी का प्रोडक्शन भी भारत में शुरू हो जाए, लेकिन जब ये आएगी शुरुआत में, जैसा कि हम सोच रहे हैं कि इस साल तक आ जाएगी, तो ये गाड़ी CBU के तौर पे आएगी, यानी कीमत होगी थोड़ी ज्यादा, करीब 65 से 70 लाख के बीच में ग्रैंड शेरोकी की कीमत हो सकती है। जीप ग्रैंड शेरोकी एक बिग बल्कि SUV है। ये गाड़ी 4,822 मिलीमीटर लंबी और 2,154 मिलीमीटर चौड़ी है। 2,915 व्हील बेस वाली इस गाड़ी में मर्सिडीज एम क्लास का चेसिस इस्तेमाल किया गया है। बोल्ड, शार्प, स्टनिंग, इन तीन शब्दों में ग्रैंड शेरोकी के डिजाइन को डिफाइन किया जा सकता है। ये वो गाड़ी है जो लोगों को मुड़ने पे नहीं मजबूर करती, ये वो गाड़ी है जो लोगों को रुकने पे मजबूर कर सकती है। जी हाँ, जस्ट इसके जरा फ्रंट पे नजर डालें। ये जो फ्रंट है इसका, स्क्वायर शेप फ्रंट है, 7 स्लैट ग्रिल के साथ, जो कि जीप की पहचान है। ये पहचान इतनी मजबूत लगती है कि जो भी बंदा SUV चाहता है ना, वो अपने आप ही एक बार सोचेगा, काश कि ये मेरे गैरेज में होती। गाड़ी में क्रोम का काफी इस्तेमाल किया गया है, फिर वो चाहे ग्रिल, हेडलैम्प, फॉग लैम्प हो या फिर 20 इंच के टायर, हर एंगल से ये अमेरिकन SUV की परिभाषा को पूरा करती है। एक चीज जो मुझे इंप्रेसिव नहीं लगी, वो इस गाड़ी के इंटीरियर्स। ऐसा नहीं कह रहा कि गाड़ी के इंटीरियर्स लग्जूरियस नहीं है, लेकिन भारतीय मार्केट की अगर बात करें, और ये गाड़ी हम उसी उद्देश्य से चला रहे हैं कि ये गाड़ी जल्दी भारतीय मार्केट में आने वाली है, अगर उस लिहाज से देखेंगे तो इसकी जो कंपटीशन में गाड़ियां मौजूद हैं, चाहे वो BMW की हों या फिर लैंड रोवर हों, उनके मुकाबले जरा लग्जरी का जो टच है ना, वो थोड़ा इसमें कम मिलता है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो लोडेड विद फीचर्स, आखिर 70 लाख की गाड़ी है, फीचर्स आपको सभी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें भी जितने भी फीचर्स आप सोच सकते हैं, आपको सब कुछ मिलेंगे, चाहे वो टच स्क्रीन हो, कस्टमाइज्ड कंट्रोल्स हों, तो रियर पैसेंजर के लिए भी हर सुविधा दी गई है, चाहे वो HDMI पोर्ट हो, ब्लूरे का इस्तेमाल हो, स्क्रीन हो, एवरीथिंग इज अवेलेबल इवन फॉर द रियर पैसेंजर। 8.4 इंच की टच स्क्रीन में अच्छे ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है और ज्यादातर चीजें आप इस टच स्क्रीन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। सेंट्रल डायल में आप गाड़ी से जुड़े हर डाटा, यानी कि टेम्परेचर से लेकर टायर प्रेशर तक, सब कुछ चेक कर सकते हैं। इस सेगमेंट की बाकी गाड़ी की तरह जीप ग्रैंड शेरोकी भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट, अच्छी स्पेस और कंफर्ट के साथ मिलती है, लेकिन ये एक 5 सीटर गाड़ी है। इस गाड़ी में 3.0 का V6 डीजल इंजन लगा है, जो 240 PS की पावर और 580 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। 93 लीटर का फ्यूल टैंक इस गाड़ी में लगा है।
और 0 से 8 की रफ्तार पकड़ने में ये गाड़ी सिर्फ 8.5 सेकंड का समय लेती है। लेकिन इस गाड़ी की खासियत इसकी रफ्तार नहीं बल्कि इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी है। इसकी जो ड्राइव ट्रेन है वो आपने जैसे कि लैंड रोवर में देखा होगा कि आप टच ऑफ ए नॉब आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप उसको सैंड, स्नो, मड या रॉक किसी में भी डाल सकते हैं। इस तरीके के ट्रेन टायर वो दे रखे हैं, ड्राइव ट्रेन दे रखे हैं। पिछले कई सालों से हम इस गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है कि फेस्टिवल सीजन के आसपास इस गाड़ी को लॉन्च किया जाए। इस गाड़ी की कीमत 65 से 70 लाख के बीच हो सकती है। साइलेंट, कंफर्टेबल, फास्ट, एक ऐसी गाड़ी जिसको छोड़ने का मन ना करे, लेकिन कीमत ऐसी होगी जो शायद पकड़ में ना आए। जी हाँ, कीमत एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा क्योंकि उस कीमत में और भी कुछ बहुत ही उम्दा गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन ये वो गाड़ी है जिसको टीम इग्निशन को लॉन्च होने का जरूर इंतजार रहेगा।